आज हम देखेंगे कि क्रिस्पी पानी पूरी की पूरी कैसे बनाते हैं। इसे बनाना काफी आसान है। परफेक्ट क्रिस्पी पानी पूरी की पूरी बनाने के लिए प्रॉपरली स्टेप्स फॉलो कीजिए। पूरी बनाने के लिए हमें लगेगा 1 कप सूजी, बारीक सूजी ली है हमने यहाँ पर, आधा कप मैदा, इसे अच्छे से मिला लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी नमक। ध्यान में रखिए ज़्यादा नमक ना डालें, वरना ये पूरी अच्छे से फूलेगी नहीं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम आधा कप पानी थोड़ा थोड़ा कर इसमें डालेंगे और इसका आटा गूंदेंगे। हमारा आटा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए एक बर्तन में ढककर रख देंगे। 10 मिनट बाद हम इस आटे के छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। अब हम इसे अच्छे से बेल लेंगे। ध्यान में रखिए ज़्यादा पतला ना हो। अगर ज़्यादा पतला हुआ तो सेव पूरी की पूरी की तरह बन जाएगा, और अगर ज़्यादा मोटा हुआ तो ये पूरी क्रिस्पी नहीं बनेगी, सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगी। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, तो ध्यान में रखिए जो बेली हुई पूरियाँ है वो जल्दी से सूखे ना, इसलिए इसको एक डैम क्लॉथ से ढक कर रखिए। अब चाहो तो एक बड़ा डो बॉल बना सकते हो और उससे एक बड़ी रोटी बेल कर कुकी कटर की मदद से या फिर ढक्कन की मदद से पूरी बना सकते हो। अब इन पूरियों को हम फ्राई करेंगे। ध्यान में रखिए ऑयल एकदम बबलिंग हॉट होना चाहिए। पूरी फ्राई करने के लिए डालते समय आप हाई फ्लेम ही रखिए, और बाद में आप लो या फिर मीडियम फ्लेम पे इसे तल सकते हो। पूरी को हमें अच्छे से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जनरली पूरियाँ अपने आप ही फूल जाती है, लेकिन एक हाथ पूरी ना फूले तो उसे हल्का सा प्रेस कीजिए। पूरी को अब थोड़ी देर के लिए कूल डाउन होने दीजिए, फिर वो एकदम क्रिस्पी बन जाती है। आप देख सकते हो उसको कितना अच्छा कलर आया है। बिल्कुल रेडी है हमारी पानी पूरी या फिर गोलगप्पे वाली पूरी। देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है, और ये काफ़ी क्रिस्पी बनी है, आप देख सकते हो। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपका कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करें।